हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं ओप्पो A77s मोबाइल में ऐप्स हाइड कैसे किया जाता है। वो दोस्तों कोई सी भी ऐप हो, किसी भी ऐप्स को आप अपने मोबाइल में हाइड कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा हाइड वाली ऐप को चलाया कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप अपने मोबाइल की दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर प्राइवेसी का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हाइड ऐप्स का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाना होगा नया, तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा है। तो दोस्तों मैं प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर सारी ऐप आ जाएंगी, जितनी भी ऐप्स आपके मोबाइल में हैं। तो फ्रेंड्स, जिस ऐप्स को आपको हाइड करना है उसके सामने टिक मिलेगा, तो इस टिक को आप इनेबल करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सेट एक्सेस कोड, यानी यहाँ पर आपको एक एक्सेस कोड बनाना होगा जिससे आप हाइड वाली ऐप को चला पाओगे। तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला अंशर हैज रहेगा। उसके बाद जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं वो दोस्तों यहां से आप डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट में भी हैज रहेगा, तो आप एक्सेस कोड अपने हिसाब से आप बना लीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ सही का ऑप्शन आ रहा, सही के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। बस ये जो है ऐप्स हाइड हो चुकी है। चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। तो फेसबुक को हाइड किया था, अब यहाँ पर देखिए कहीं भी हमको फेसबुक नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो रही बात ऐप हाइड करने की, अगर आप लोगों का मन हुआ चलाने का तो चलाएंगे कैसे। चलाना दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है, आपको करना क्या होगा, डायलर ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो एक्सेस कोड आपने बना कर रखा है वो दोस्तों एक्सेस कोड आप यहां से डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर हाइड वाली ऐप आ जाएगी, तो यहां से दोस्तों हाइड वाली ऐप को यूज कर सकते हो।